हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। तो रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को राइट हैंड साइड में आ जाना और इधर आप लोग देख सकते हो इंटरनेट बैंकिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो हाउसिंग लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, डिपॉजिट स्कीम, लोन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट स्कीम के ऊपर आ जाना है और इधर आप लोग को नो मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो हम लोग आ चुके हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का वेब पेज में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट और बल्क टर्म डिपॉजिट एनआरओ टर्म डिपॉजिट पर एनम विद इफेक्टिव फ्रॉम 10th अक्टूबर 2022 से ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ड्यूरेशन लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ टू 10 करोड़ अबव 10 करोड़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ लेस देन 2 करोड़ के बारे में, ठीक है। ये जो चार्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये चार्ट सिर्फ नॉर्मल सीजन के लिए है। 7 से 30 डेज 2.75, 31 से 45 डेज 3%, 46 से 90 डेज 3.50, 91 से 119 डेज 4.50, 120 से 180 डे 4.75, 181 से 270 डे 5%, 271 डे 299 डे 5%, 300 डे 5.25, 301 to 364 डे 5%, 365 डे और 1 ईयर 5.40, ओवर 1 ईयर 2399 डे 5.60, 400 डे महाधनवर्षा स्कीम जो पहले से मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो 5.70 मिल जाएगा, ठीक है। 401 डे 2 ईयर 5.60, ओवर 2 ईयर 3 ईयर 5.50, एवर 5 ईयर 5.50, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो शॉर्टर ड्यूरेशन में अभी इंक्रीज कर दिया गया है फिक्स डिपॉजिट रेट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम 5.70 है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ईयर में 5.40 आप लोग को मिल जा रहा है, 1 ईयर 2399 डेज 5.60, उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 400 डे में 5.70 फॉर नॉर्मल सिटीजन को मिल जा रहा है, ठीक है। और बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम जो कि 5 ईयर का टैक्स सेविंग स्कीम है, इस एप्लीकेबल अप टू 1.5 लाख, ठीक है। अगर आप लोग टैक्स सेवर स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अप टू 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन विल बी ऑफर्ड एन एडिशनल 0.5% ऑन ऑल मैच्योरिटी स्लैब ऑफ 91 डे एंड अबव, ठीक है। तो कोई सीनियर सिटीजन अगर फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहता है तो 91 से अबव करने से फिक्स डिपॉजिट 0.5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट है ये अप टू 2 करोड़ का ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट फॉर डिपॉजिट अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी देर विल बी नो पेनल्टी ऑन द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो 1 ईयर से पहले अगर आप लोग निकाल देते हो पैसा तो कोई भी आप लोग को पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 1 ईयर के बाद निकालते हो तो यहाँ पे 1% का पेनल्टी आप लोग को लग जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग देखना चाहते हो पोस्ट करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 400 डे में अगर आप लोग कोई सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे उनको मिल जाएगा 6.20। तो उसी तरह यहाँ पे 91 डे के अबव जितना भी इंटरेस्ट रेट है वो सीनियर सिटीजन को 0.50 एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि 91 डे में कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है फॉर सीनियर सिटीजन केस में तो 0.50 दैट इज 5% यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिटीजन केस में 4.50, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कि 10th अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।